नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आज मैं आपको क्लास 9 के हिंदी के पार्ट खुशबू रस्ते हैं हाथ का अर्थ बताने जा रहा हूं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रस्ते हैं हाथ, खुशबू रस्ते हैं हाथ। अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के यथार्थ के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर हैं। अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, नालों के पार और बजबजाते कूड़े के ढेरों के समीन होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती को मूर्त रूप देते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ किस्म किस्म के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, तो किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही की डाल की तरह होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे पिटे और जख्म से फटे हुए भी होते हैं। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब खास और अतरानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं। इसी तंग गली में पूरे देश की मशहूर अगरबत्तियां बनती हैं। उस गंदे मोहल्ले के गंदे लोग यानी कि गरीब लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस और रतरानी के खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। ये एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहां दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। चलिए दोस्तों, आज की तो वीडियो में बस इतना ही था। अब हमारा अगला पार्ट हमारी अगली वीडियो में देखना ना भूलें। आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।